ओके सो है वस्तु वेलकम बैक टू माय यूट्यूबूब चैनल सो इस कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे तो गस आज जो हम करने वाले हैं ग्लोइंग सिटी फोटो एडिटिंग तो गस इस वीडियो में यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को कंप्लीट देख लेना एंड कैस मैं वीडियो में हर एक स्टेप को आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला वालों तो कैस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एकदम ध्यान से देखना तभी आप समझ पाओगे एंड ऐसी एडिटिंग कर पाओगे ठीक है तो बस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं गाइस so, सबसे पहले आप सबको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है जाना टूल्स में फिर इसका सबसे लास्ट वाले पॉइंट में जाना है ठीक है इस वाले पॉइंट में जाने के बाद आपसे कुछ स्टैप इस से इसको यहाँ पे ब्लर करना है ठीक है इसको मतलब जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ पे ब्लर कर लेना है एंड कुछ स्टैप से छोटा करके नीचे की तरफ ले आना है उसके बाद आप फिर करना है आप सभी को इसको थोड़ा सा ब्लर जो यहाँ पे कम कर लेना है अराउंड कुछ एट नाइन टेन तक रख लेना ठीक है इतना कर देने के बाद आप कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप सब ऊपर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना करना है आप सभी को आप को जाना है ऐसे एड फोटो में ठीक है इस यहाँ से एड फोटो में जाने के बाद आपको कोई यहाँ पी एन जी लेना ले है ठीक है तो इसको आपको फिर स्क्रीन कर देना है एंड स्क्रीन करने के बाद आपसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से लगा देना है ठीक है इस टाइप से लगा दे ना, थेका ना, थेका ती देना एंड उसके बाद आप चौदस उसकी अपोसिटी थोड़ी कम कर लेना ठीक है इस कुछ अराउंड इतनी रख देना फिफ्टी तक एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है एंड क्या उसके बाद आप सबको फिर यहाँ से चले जाना डा, है उसमें टू टूल्स में फिर जाना एडजस्ट में एडजस्ट में जाने के बाद कैसे आप सब थोड़ा उसका एक्सपोजर ऊपर की तरफ बढ़ा देना है ठीक है ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड इसका डन कर देना है उसके बाद आपको अब जाना टू उसमें एड फोटो में ठीक है इस तो ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस ऐड फोटो मानी गए हमला जो ड्रो टूल में करेंगे तो जैसा ड्रो टूल में चलते हैं ड्रो टूल में जाने के बाद गज आपसी को फिर क्या करना है यहाँ पे आप सबको जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस गस आपको अपने यहाँ पे मॉडल को ले लेना है ठीक है कुछ इस टाइप से तो आप मैं मॉडल को ले लूँगा एंड आप आपसी मॉडल को जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे पहले मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके पहले फिट कर लेता हूँ मॉडल को तो ऐसे हम चलते हैं एंड टूल्स में जाएंगे एंड लेयर में जाकर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने मॉडल को लगा दिया क्या करेंगे हम यहाँ पे बनाएंगे कंप्यूटर लेयर एंड कैसे यहाँ पे हम जाएंगे कलर्स में एंड उसके बाद हम यहाँ पे कैसे डार्क ब्लू जो कलर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर डन कर देंगे एंड ब्रश में जाएंगे ठीक है ब्रश में जाने के बाद हम जो है हम हार्ड ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली एंड कुछ इस टाइप से हम फटाफट पूरा मतलब एक बैकग्राउंड से क्रिएट कर देंगे यहाँ पे ठीक है कुछ इस टाइप से तो हमें पूरे पूरे उस पर कर देना है ठीक है कश तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है आप सबको मैं बताता हूँ एंड इसके बाद आप आपको यहाँ देखो देखोगा ये तो हमारा बन गया तो उसके बाद आप सबको करना क्या इसको आपको एक कॉपी लेयर कर लेनी है इसकी ठीक है कॉपी करने के बाद आप सबको जो मॉडल है इसको आपको सबसे ऊपर ले जाना है एंड उसके बाद जो जिसका ब्लेंडिंग है जिसका ब्लांडिंग मोड है जिसको एक्स एक् एक्स कर देना है एंड यहाँ पे मर्च कर देना है इसे एंड उसके बाद गए आप को फिर क्या करना है आप सभी को मर्च नहीं करना का जहाँ पे अंडो करते हैं तो उसके बाद आप सभी को सब जहाँ पे जाना जा है ब्लेंडिंग जा मोड में एंड इसको भी यहाँ पे एक्सो कर देना है तो क्या जहाँ पे आपकी क्लियर बन जाएगी ऐसी तो उसको आपको सेव कर लेना है एंड उसके बाद क्या है पे आपको अंडू कर देना है पहले ठीक है अंडो कर देने के बाद आप सभी को जो नीचे की जो लेयर है इनको भी अंडो कर देते हैं पहले हम ठीक है इस तो यहाँ पे हमने इसको अंडू कर दिया है तो उसके बाद हम कह इस लेयर में ऊपर वाली लेयर में हम दो एक कलर सेलेक्ट करेंगे पहले यहाँ से पिंक कलर ठीक है इसको जिस टाइप से एंड ऐसा हम कलर को सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर वाली जो लेयर है हमारी इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आप लेयर को बंद कर देंगे एंड उसके उसी के हिसाब से बिल्कुल सेम एक मतलब बैकग्राउंड ग्राउंड आप क्रिएट कर देंगे कुछ इस टाइप से जैसे कि आपको मैंने अभी पीछे बताया था वैसे ही ठीक है इस तो ऐसा कर लेना है आपसे भी कुछ एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देनी है यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके तो से फिर उसके बाद गए आप शू करना है कि आपको लेयर में जाना है एंड इसकी जो एक कॉपी लेयर कर देनी है एंड सेम स्टेप वही आपको मॉडल को ऊपर के लिए जाना है एंड मॉडल को ऊपर ले जाने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड एक्सो कर देना है एंड आप इसको मर्च कर देना है एंड उसके बाद जो दोबारा से आपको उसको एक्सपॉर करना है सॉरी क्या है जिसमें नहीं आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है यहाँ पे एक्सपॉर कर देना है एंड उसके बाद क्या यहाँ पे क्या करना है आप सभी को इसको सेव कर लेते हैं पहले हम ठीक है सेव करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है आप पहले एंडो करेंगे ठीक है तो उसके बाद है, आप सभी को सारी लेयर को बंद कर देनी है ठीक है एंड जो आपका मॉडल है ओनली इसको ही सेव कर लेना है आप ठीक है सेव कर लेने के बाद आप उसको फिर क्या करना है आप सभी को पहले यहाँ से आप हम डिस्कार्ड करते हैं डिस्कार्ड कर देने के बाद आप उसको फिर क्या करना है आप सबको जाना है ऐसे एड फोटो में एंड जो भी आपने मॉडल को अपने सेव किया था वहाँ से वो उसी को यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस टाइप से ताकि जो मतलब ये सेव हमने इसीलिए किया था तो क्योंकि जो हमारे बैकग्राउंड है पूरा ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा ठीक है तो इतना कर देने के बाद आप, आप, आप क्या करना है यहाँ पे डन कर देना है एंड डन कर देने के बाद सबको जाना है एड फोटो में एंड जो आपकी ब्लू वाली लेयर जो अपने अभी बनाई थी उसको आप सभी को सिंपली कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर हम ऐड फुल कर लेते हैं ऑपोसी एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम इसको पूरा फिक्स कर देंगे ठीक है तो फिक्स करने का कर देने के बाद आपसे फिर यह करना है रिजल्ट टू में जाना है और फिर रिजर में जा रहे हैं ठीक तो है एंड जिसकी हार्डनेस है बिल्कुल कम कर देनी है एंड साइज को जो आपको अपने हिसाब से कुछ रख लेना है एंड यहाँ पे हम जाएंगे फिर उसके बाद हम यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे एंड इवर्ट कर देने के बाद हम फोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद है जो है हमें साइड साइड में एक आउटलाइन क्रिएट करनी है जैसे कि मतलब कि जो पीछे जो ब्लू कलर की लाइट है वो हमारे ऊपर पड़ रही है तो उसका कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन हमें दिखाना है ठीक है तो आप मैं फटाफट कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो है मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रखा है तो आप लोग थोड़ा आराम से करना ठीक है टाइम देगे मतलब कि अच्छी तरीके से ताकि जो मतलब की एकदम अच्छे तरीके से हो जाए ठीक है तो आप आराम आराम से करना एंड आप सभी से भी हो जाएगा ठीक है तो जिस टाइप से देता है उसका हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको हम लाइट कर देंगे कुछ ठीक है लाइट कर देंगे एंड इसकी ओपोजिट थोड़ी कम कर देंगे एंड ऐसा डन कर देंगे एंड दूसरी वाली लेयर को ले लेंगे यहाँ पे एंड इसको भी हम फुल स्क्रीन कर देंगे एंड यहाँ पे रेजर टूल में हार्डनेस को कम करें कुछ जिस टाइप से हमें पेंट कर लेना सेम वही स्टेप जो हमने अभी ब्लू लेयर में करी थी ठीक है तो आप सभी को भी ऐसे कर लेना है एंड उसके बाद फिर क्या करना है आप सभी को इसका भी ब्लेंडिंग मोड लाइट लाइटन कर देना इसकी ओपोजिटी थोड़ी कम कर देना है एंड यहाँ पर कर देना है डन ठीक है उसके बाद आपको फिर क्या करने है टूल्स में फिर एडजस्ट में एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को थोड़ी बढ़ा देना है ठीक है ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा सचुएशन भी बढ़ा देते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना डन एंड उसके बाद गोको आप क्या 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 करना है अब आपसी को जाना है ऐसे दोबारा से एड फोटो में एड फोटो में जाने के बाद गोको को इस वार्ड की पीन मिल जाएगी ठीक है तो आपको ये ले लेना है एंड आपसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर इसको इरेज कर लेना कुछ अच्छे तरीके से एंड जो मतलब कि एरिया होगा उसको जहाँ ज्यादा रखना है उसी को रख लेना एंड बाकी का इरेज कर देना एंड डुप्लीकेट करके आपको उसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है ठीक है दोनों तरफ तो इससे जो आएगा समूर वाला एक हमारे में वो आएगा ठीक है तो समूराय वाला कुछ एंड उसके आपसे कुछ दोबारा से आ रहे हैं टोल में एंड उसके बाद हमें इसमें थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट डालना है मतलब यानी कि हमें ग्लोइंग इफेक्ट इसमें स्वॉर्ड इस में डालना है तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे एक वाइट कलर की वो बनानी पड़ी तो शेप में जाएंगे मे वाला ऑप्शन ले लेंगे एंड इसको फिल करके एंड व्हाइट कलर को वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक वो बनाएंगे मतलब कि जो ये जो आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा हम इसके ऊपर अंदर अंदर ही जल्दी से मतलब ऐसा बना देंगे ठीक है तो ये यहाँ क्यों बना रहे हैं मैं आप सभी को भी बताऊंगा मैं आगे कि इससे मतलब कि ग्लोइंग इफेक्ट देने में भी काफ़ी इजी हो जाता है हमसे है ना जैसे कि हम कोई ग्लोइंग इफेक्ट देंगे ना इसमें तो वो भी मतलब इजी हो जाएगा और एंड ये थोड़ा मतलब हमको सपोर्ट करता है उसमें कि हाँ ग्लोइ इफेक्ट डाल रहे हैं ना तो मतलब कि ये वाइट वाइट होता है और जो बाकी का आउटलाइन होती है तो ये चमकती है तो ग्लोइंग इफेक्ट इसी से काफ़ी अच्छा आ जाता है ठीक है तो बाकी तो मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया आप उसके बाद आप सभी को ना कि आपको ना इसका ट्रांसफॉर्म उसकी कॉपी लेयर कर लेनी है पहले तो ठीक है इसी की एक कॉपी कर लेनी है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसको पहले तो आपको इसको इस तरीके इस साइड को रोटेट कर लेना है एंड उसके बाद इस टाइप से आप सभी कुछ यहाँ पर ऐड कर देना है ठीक है जिससे कि क्या आपका टाइम भी बच जाएगा एंड आप सभी को इससे आप कर भी लोगे अच्छे से ठीक है तो गाइज़ या फिर मैं ऐसा कर दूँगा इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड इसका जो लिंक करा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ही पी का तो आप इसको सिंपली यूज़ कर लेना अपने इसमें ठीक है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ पे ना सेव कर लेता हूँ पहले इन लेयर को ऑफ़ करके ठीक है तो यहाँ पर मैं इनको ऑफ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आप सभी के लिए ईज़ी हो जाएगा बाद में आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप सीधे डायरेक्ट लगा देना अपने पीस में ठीक है तो मैंने सेव कर लिया मैं आप सभी को दे दूंगा तो उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है यहाँ पे अब आप सभी को यहाँ पे तो मतलब इतना काम हो गया तो हम यहाँ पे डन करते हैं अब इसमें हमें ग्लोइंग इफेक्ट डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ से जाएंगे हम ऐड फोटो में एंड जो हमारी वो लाइट वाली पीएनजी थी ब्लू स्काई ब्लू की ठीक है तो इसको हम लाइट वाले पिंजी को ले लेते हैं एंड इसको हम पहले यहाँ पे इसका ह्यू चेंज करेंगे इसको करेंगे हम पहले पिंक कलर में ठीक है तो अच्छा हम ह्यू में जाएंगे इसको हम पिंक कलर ढूंढेंगे कि हमारा पिंक कलर कहें तो कहा जी हमारा पिंक कलर यहाँ पे तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे डन कर देंगे ठीक है एंड उसके बाद जो इसका ब्लैंडिंग मोड हम कर देंगे स्क्रीन ठीक है स्क्रीन कर देंगे लाइटन भी कर सकते हो आप ठीक है तो हमें लाइटन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे एंड कुछ इस टाइप से हमें एक एक पॉइंट में छोटा छोटा करके इसे एक एक पॉइंट में लगाना है अच्छे तरीके से देखिएगा इसका इतना अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है इसमें है ना तो आपसे भी कुछ इस तरीके से कर लेना फटाफट तो मतलब क्या आने का अब बार बार डुप्लीकेट करते रहोगे ना तो एक बार ये ऐसा हो जाता है कि यार फिर ना डुप्लीकेट होना बंद हो जाता है तो हमें दोबारा लेना पड़ता है ठीक है दोबारा ले लेना पी एन जी एंड पिंक कलर को ढूंढाँड के जो भी है ब्लू और पिंक को उसको आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर कर देना ठीक है तो हम यहाँ पे फटाफट लगा रहा हूँ गाज मैं तो यहाँ पे कश थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट कर रखी इसलिए मैं थोड़ा आप सभी को दिख रहा है बट आप लोग आराम से करना बिल्कुल टाइम दे तो आप वो सेकंड वाली इस पर आ जाना फिर यहाँ पे ब्लू कलर को आपको ऐड कर लेना है तो यहाँ पे भी अब बंद हो गई तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे पीन को ले लेता हूँ ना फटाफट कर लेता हूँ ठीक है तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है एकदम मतलब लगना चाहिए ठीक है बहुत मस्त एकदम बनाना है एंड यहाँ आप डन करते हैं गज ठीक है तो इतना हो जाने के बाद आप आपको फिर दोबारा एड फोटो में जाना है एंड यहाँ पे आप सबको एक पी लेना है ठीक है तो वो पीन है तो इस पी एन जी को आपसे कुछ स्टाइप इस से इसकी हार्डनेस कम हो गई तो इसको फुल कर लेते हैं एंड आप स्क्रीन कर देते हैं एंड ब्लेंडिंग बोर्ड को स्क्रीन करने के बाद आपसे कुछ इस टाइप से पूरे स्क्रीन में लगा देना एंड देखिएगा इसके आज गज़ब से लुक आई है अभी पर अभी सारा काम हमारा हुआ नहीं है अभी हमें और भी काम करना है इसमें तो अभी हम यहाँ पर डन करते हैं एंड गज उसके बाद आप सब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपसे यहाँ से फिर जाना है दोबारा से नीचे स्क्रोल करना है ड्रोटूल में जाना है ड्रो ड्रोल में जाने के बाद इसमें ना आपको अपनी कपड़ों के ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए क्या करना आपको जाना शेप वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद आप सभी को ये, ये ये वाला ऑप्शन ले लेना ले फर्स्ट वाला ही एंड उसके बाद आप सभी को उसको फिल करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना फोटो को जूम करना है कुछ साइड से ठीक है एंड आप सभी को झाँजा मतलब कि य रही तो मेरे को झांझा अच्छा लग रहा है मैं वहाँ पर ये कर रहा हूँ आपको अगर और कहीं भी मतलब कि अच्छा लगे तो आप वहाँ पर भी कर लेना एंड कोई और भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हो वहाँ से ठीक है तो मैंने तो ये वाला कराया तो मैं इसको इस टाइप से ऐसे लगाऊंगा ठीक है तो आप लोगों को कुछ जिस टाइप से करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे फटाफट करता हूँ अब यहाँ पे ठीक है तो कुछ इस टाइप से मैं डिजाइनिंग बनाऊँगा अपने तरीके का मतलब कि आपको और कोई डिजाइनिंग अगर पसंद हो या आपने देखा हो कहीं तो आप कर सकते हो बाकी तो मेरा अपने माइंड से गया है तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे ऐसे से कलर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड लाइटन करके कुछ इस टाइप से हम फटा फटाफट कर लेंगे ठीक है तो आपसे कोई करना है ऐसे ही एंड यहाँ पे जो ब्लू साइड में हम यहाँ पे ब्लू कलर दे देंगे तो इसका भी हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे एंड यहाँ पे पिंक कलर ओके okay गाइस तो यहाँ पे जो है हमने सब कुछ कर लिया तो अब हम यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेंगे एंड इसमें हम करेंगे कलर करेक्शन जो कि करता है लाइटर ऐप में तो अपने लाइटो ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड गाइस जब तक हमारा लाइट्रो ऐप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता रहा है और मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है यार ठीक है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड यार अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आपसे टाइम टू तो टाइम मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैलैकन प्रेस कर लेना तो चलेगा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो फोटो हमारी ऐड हो चुकी है तो तब क्या कर करेंगे हम लाइट वाला ऑप्शन जाकर एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देंगे को बढ़ा देंगे हाईलाइट्स को जो है इसको भी बढ़ा देंगे हाईलाइट कम कर लेते हैं ठीक है तो शेडो को बढ़ा देते हैं एंड जो व्हाइट है हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर ठीक है हाईलाइट को हमने इसलिए कम किया एंड ब्लैक है इसको हम कम कर देंगे फिर जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे टेम्परेचर को कम कर देंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम मिक्स टूल में ठीक है कलर मिक्स में एंड उसके बाद ऑरेंज कलर को लेकर करेंगे सचुरेशन को माइनस कर देंगे एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना बाकी आपके फेस पर डिपेंड करता है अगर ब्राइटनेस हो तो मत बढ़ाना फिर डार्क ब्लू को लेना है एंड उसके बाद आप सब इसका जो यू है आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड पिंक कलर को लेना है इसका यू माइनस की प्लस uh, की तरफ रखना एंड सैचुरेशन को भी प्लस की तरफ ठीक है इतना करने के बाद आप सब फिर क्या करना है आप सभी को दोबारा से एक बार ये मतलब कि सचुरीशन को बढ़ा लेते हैं ब्लू कलर के है ना यू को ही बढ़ा लेते हैं एंड क्या जहाँ पे आप सभी को अब क्या करना है आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना काफ़ी अमेजिंग हो चुकी है तो अब यहाँ पे हमें डन करना है एंड उसके बाद जाना हमें नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आपसे भी उसको यहाँ बढ़ाना है एंड जो फोटो में जो है ब्राइटनेस है वो डालना है ठीक है विगनेट सॉरी विगनेट डालना है एंड इसका नीचे नीचे का ग्रे अमाउंट पहलेगा उसको बढ़ा देना है नीचे वे टूल में जाने के बाद फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड जो नो ड्रक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नो डक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है ठीक है तो उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है आप सभी को जाना आप सेलेक्टिव टूल में ठीक है तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है सेलेक्टिव टूल में जाना है एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है फोटो को जूम कर लेना पहले एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है आप सभी को यहाँ पे ये सर्कल वाला ऑप्शन लेना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको लेने के बाद आप सभी को इस टाइप से आपको जो जहाँ जहाँ पे पी एन जी लगाए थे ना अपने मतलब कि जो जहाँ जहाँ पे आपने वो अपने जो मतलब कि ये पॉइंट्स बनाए थे आपने वहाँ वहाँ पे आपको इसको करना है ठीक है तो उसके बाद आप सब यहाँ पे पिंक कलर में इसके कलर्स में जाना है यहाँ पे पिंक कलर को यहाँ पे कुछ इसका बढ़ा देना है जो तो टेंट है इसको पिंक टाउन में ले जाना है एंड उसका इसका हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसको डुप्लीकेट हम कुछ इस टाइप से यहाँ लगा देंगे एंड इसका हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से लगा देंगे एंड उसके बाद फिर क्या करना है आप सभी को फिर हम यहाँ पे एक और इसको मतलब कि डन कर लेंगे एंड उसके बाद हम दोबारा से इसी में, में, तो में जाएंगे ऑप्शन में सॉरी गाइस तो वापस हम दोबारा इसी ऑप्शन में जाएंगे सिलेक्टिव टूल में फोटो को पहले जूम कर लेंगे ऐसे एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके क्लिक करेंगे एंड उसके प्लस पे क्लिक करेंगे एंड इसके सर्कुलर ऑप्शन लेंगे एंड इसके ऊपर हम कुछ इस टाइप से कर देंगे एंड उसके बाद दोबारा से कलर्स में जाएंगे टेमपेचर को माइनस कर देंगे यहाँ पे हम पूरा तो पिंक टोन में आ जाएगा ये एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है आप उसके एक्सपोजर भी यहाँ पर थोड़ा हम बढ़ा देते हैं इसका उसका दगिन हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे सर्कल वाले पे एंड इसको कुछ हम कुछ इस टाइप से कर देंगे एंड इसका हम साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर साइज़ बड़ा हो गया एंड इसके बाद गए हम जाएंगे वापस एक कलर्स वाले ऑप्शन में एंड इसके बाद जो है हम इसका टेम्परेचर को उसके प्लस की तरफ कर देंगे यहीं पर ब्लू टोन है क्योंकि हमारे ठीक है तो बस यहाँ पे जो है फाइनली हमारी फोटो का जो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है थोड़ा सा उसमें विगनेट डाल देते हैं ठीक है तो हम प्लस इस पर सलेक्टेड में जाएंगे थर्ड ऑप्शन को ले लेंगे एंड ऊपर से कुछ इस तरीके से आप एक्सपोजर को कम कर देंगे तो कस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने तो कस देखिए बिफोर एंड आफ्टर तो देखिए कस बिफ़ोर एंड आफ्टर ठीक है तो हमारी फोटो यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग एडिट हुई है तो यार आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो एक लाइक करना यार क्योंकि बहुत मेहनत लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं होता तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना तो चले गए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक क्लिक गुड बाय एंड कस एंड स्क्रीन की दो वीडियो है बहुत मेहनत लगी थी यार इन वीडियो में भी तो किसी एक पे क्लिक करके किसी एक वीडियो को वॉच करो बाकी मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो चैनल के लोगों पर क्लिक करके वहाँ जाकर मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो तो चलिए कैसे मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ली जय हिंद जवाहारत